नमस्कार, आप देख रहे हैं इंद्रप्रस्थ न्यूज। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने गुरुवार को बलिया में जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और सात सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र राजभर ने भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा और कहा कि आज प्रदेश की स्थिति अत्यंत दयनीय और भयावह हो गई है। उन्होंने कहा कि पिछड़ों को मिल रहे 27% आरक्षण में जब तक बंटवारा नहीं होगा तब तक समाज के निचले तबके के लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। उधर संत कबीर नगर में भी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विकास भवन के पास गुरुवार को ही धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर पार्टी नेता विनोद कुमार राजभर ने कहा कि केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार ने राजभर सहित 17 जातियों के साथ मजाक किया है। उन्होंने पिछड़ों को मिल रहे आरक्षण के बंटवारे, शराबबंदी, एक समान शिक्षा नीति समेत कई मांगे उठाई। तो फिलहाल इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की खबरें आपको लगातार मिलती रह सकें।